हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल बुक आपके दानिश और आप देख रहे हैं ब्लॉग्स। तो गाइस अभी टाइम है दोपहर के 1 बज रहे हैं और जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज है जुमा, तो अभी हम लोग नमाज पढ़ के फारिग हुए। तो मैं रूम पर गया ही था, थोड़ा काम था, काम किया, इनका मैसेज आया कि किधर हो। मैंने मैसेज किया, तो मैसेज नहीं कर रहे थे क्योंकि भाई जुमा पढ़ के आया तो मैं सोया हुआ था, बुड्ढा उठाया, उसके बाद जो ही आया तुम्हारा मैसेज आया। ड्यूटी से कब है? सुबह आया 5 बजे। कहाँ गए थे? पूछो मत, घूम घूम के पहले उसकी ड्यूटी की, फिर इसके दोस्तों की ड्यूटी की, 60-70 किलोमीटर उनको छोड़ गया है। तो इनका भी यही हाल था, मेरा भी यही हाल था। मैं भी कल ड्यूटी पर गया था, ये भी कल ड्यूटी पर गए थे। तो मैं लगभग आया था 4 बजे के आसपास और ये आए 5 बजे। कल खर्च गए थे, खर्च गया, उसके बाद उसके दोस्त हैं इधर उधर उधर 70-80। ये यहाँ सऊदी अरब में ये प्रॉब्लम है कि भाई उनकी तो ड्यूटी करो ही करो, इनके साथ साथ इनके दोस्तों की, बहनों की, सबकी करो। मतलब कि करना नहीं है, जब वो वापस आना है फिर लेके जाना है तो सबको उठाओ, फिर वापस छोड़ो आके। ऐसे क्यों हो तो डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट आओ तो कम पड़ता है, कम टाइम लगता है, कम टाइम वेस्ट होता है। लेकिन सबको लाना, सबको उठाना, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट रहता है। इनको क्या है भाई ड्राइवर। चलो एनीवेज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, चलते हैं खाना खा के आते हैं। जुम्मा है, चलो चलते हैं, जहाँ भी मन होएगा वहाँ चलते हैं। क्या खाओगे? बटर चिकन। बटर चिकन खाएंगे उससे सर ने रामा दे। आज देखो भाई साहब, इतना जहमा है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर भीड़ को भी जहमा बोलते हैं और गाड़ी के ट्रैफिक को भी जहमा बोलते हैं। बटर चिकन खाएंगे ये। और पराठे, तमीज तो यहाँ मिलती नहीं है। बटर चिकन के अलावा क्या? फिर वो 65 ये सूखा होता है, कोई फ़ायदा नहीं उसको लेकर। बटर चिकन मंगा, थोड़ा चावल मंगा लेते हैं। इसलिए हमारा बटर चिकन आ गया है, बहुत दिनों पहली बार खाने जा रहे हो ना ब्रो तुम? हाँ, इसके पहले हम लोग ने नहीं खाया, यहाँ पे नहीं खाया। 65 नहीं था, चिकन चिल्ली था, चिकन चिल्ली था, ये नहीं खाया, यहाँ पर नहीं खाया। देख लो मुँह में पानी ला लो, हाँ मुँह में पानी आ रहा तो जाके खा लेना तुम लोग। केरला होटल में ऐसा है ना, यहाँ पर तंदूरी रोटी नहीं मिलती तो केरला के पराठे ही खाना पड़ता है मजबूरी में, वरना हम लोग तंदूरी रोटी खाने वाले थे। तो पाकिस्तान वाली होती तो ज़्यादा अच्छी होती थी। आज इनके पास प्लेट ही नहीं है, कटोरा ला के दी इन्हें खाने के लिए। सलाद वलाद मांग ले यार, सलाद दे दे थोड़ा सा। छोड़ो छोड़ो, तो कैसा है? मैं तो खाया, पीस के साथ खा के देखो, हम भी खा के देखते हैं। अभी वो नहीं है इतना स्पाइसी, नहीं स्पाइसी नहीं होता है ये सऊदी लोग के हिसाब से होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारे स्पाइसी नहीं होगा यहाँ का जो बटर चिकन होता है, वो स्पाइसी नहीं होता है, एकदम लेस स्पाइसी। उसकी वजह ये है कि बटर चिकन महंगा है, दूसरा मतलब कि इंडियन लोग नहीं खाते ज़्यादा, ये लोग खाते हैं सऊदी लोग। सऊदी लोगों को सिर्फ दो चीज़ मालूम है, बटर चिकन, चिकन 65 बस। ये देखो जुमे के दिन खाने के साथ ये खीर जो है मैंडेटरी है, खीर बहुत तगड़ी खीर है। खीर नहीं है, दूध चावल है। हीरा बेटे सूर्य मंजम वाली खीर है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4:15 हो रहे हैं और अभी मैं गया था, जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, मैं खाना खाने जब गया था तो उसी टाइम पर, सेम टाइम पर खाना आया ही था कि इब्राहिम को फ़ोन आ गया था कि सिगल से आ रहा। तो मैंने बोला ब्रो मैं अभी आया हूँ खाना खाने के लिए होटल, बोला ठीक है खा लो, घर पर आना तो कॉल करना। घर पर आया तो मुझे मालूम था कि आज छुट्टी है, लेकिन गया था हल्लैक। अभी हम हल्लैक से वापस, अभी टाइम हो गया 4:15। आज यहाँ पर पार्किंग नहीं है एक्चुअली, आज देख लीजिए गाड़ी पार्क करने जगह ही नहीं है। वो उधर खड़ी है, इधर खड़ी है, इधर खड़ी, एक गाड़ी उधर खड़ी, अब मेरी गाड़ी की पार्किंग जगह नहीं है तो मैंने आगे लगा के आया हूँ, क्योंकि भाई साहब पूरी गली भर गई है। अब मेरे घर में क्या है, 3 गाड़ी बहुत ज़्यादा खड़ी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खड़ी हो सकती हैं, तो मैंने इतनी दूर खड़ी की जाके आज। फिर देखो हमारे अरशद भाई सामने। तो आज हमारे घर के पास पार्किंग नहीं है एक्चुअली, मैंने गाड़ी में तो प्रेस कराने के लिए गया था, अब घर के पास मतलब कि अब घर के पास क्या है, पार्किंग नहीं है, मैंने गाड़ी दूर खड़ी करी, अब थोप ला के घर पर दिया। अरशद ने बुलाया है, बंगाली बाबू ने,
बोलते हैं और तुमको वजन करते हैं, तो देखते चल के कुछ वजन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, खाली पेट ही पेट निकला हुआ है। कोई घर पर था तो शायद 65 से 70 किलो के आसपास था। अभी 2 साल होने वाले हैं तो अभी कितना है वजन देखते हैं। तो चलते हैं अरशद के रूम पर, कहाँ पर है मशीन, क्या बता रहे हैं देखते हैं। देखो हमारा वजन कितना है, जब मैं इंडिया में था तो समथिंग 65 से 70 किलो था, अभी देखो 74 किलो हो गया है। बस कितना? 74 किलो। बुढ़ाऊ का 95 किलो है। दोस्तों अभी टाइम हो गया रात के 9:30 बज रहे हैं और अभी मैं अपनी मैडम को लेके श्वेदी आया हूँ। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं और लग रही बहुत तेज़ भूख, क्योंकि आज मैंने खाना वही दोपहर में जो उसके साथ खाया था उसके अलावा भी कुछ नहीं खाया है। और क्या है ना, थोड़ा वर्कआउट अभी इस टाइम पे चल जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाया था मैंने कि मेरा वेट कितना हो गया, 75 किलो। इसकी वजह से चल जाता रहा हूँ इस टाइम पे, वर्कआउट कर रहा हूँ और खा कम रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, जब खाता हूँ थोड़ा थोड़ा खाता हूँ। अब थोड़ा खाऊँगा तो भूख तो लगेगी ना। तो यहाँ पीछे ड्राइवर का रूम है लेकिन वो अभी है नहीं, तो देखते कितने में वो आता है, उसके बाद चलते अपन खा ही लेते चले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। हम लोग आए नाश्ता करने के लिए, मतलब खाना खाने के लिए रात के। ये है सालन और ये है सब्जी और ये हमारे भाई है केरला से। आप लोगों को बता दूँ केरला में एक चीज़ है, वहाँ पर चम्मच नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पर हर चीज़ हाथ से खाते हैं। हम लोग जैसे कि मेन जो इडली वगैरह होता है चम्मच से खाते हैं, ये लोग मतलब हाथ से ही खाएंगे। और पराठा भी पराठे के अंदर सब्जी खा डाले खाते हैं। और वही पुरानी वाली होटल जहाँ मैं पहले आया करता था, मेरा पराठा भी आया ही नहीं, मैंने कड़क पराठा मंगाया है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 बज रहे हैं और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं अभी श्वेदी में आया हुआ हूँ। तो ये है उस ड्राइवर का रूम जिसके साथ मैं अभी खाना खाने के लिए गया था। वो केरला का ड्राइवर, आप लोगों को मालूम होगा केरला के लोगों को हिंदी नहीं आती ठीक से, मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग को नहीं आती है, जो लोग सऊदी और दुबई में रहते हैं उन लोग को आती है थोड़ी थोड़ी, मतलब अच्छी तरीके से आती है। जो लोग हिंदी ग्रुप में नहीं बैठते, हिंदी लोग के साथ नहीं बैठते, जो यूपी लोग के साथ नॉर्थ इंडियन लोग के साथ, तो उनको थोड़ा कम आती है ठीक से, समझ नहीं आती। तो इसको भी ऐसा है कि ठीक से अरबी मतलब हिंदी आती है लेकिन एकदम बहुत से सेंटेंस नहीं समझ पाता ये। तभी इसके रूम पर बैठा था, ये बाहर कहीं गया है, तो मैं इसके रूम पर एक लैपटॉप है तो देखिए ये है इसका रूम, ये इधर बेड है, इधर पूरा रूम है, इतना बड़ा रूम है भाई साहब। ये है ड्राइवर का रूम, इधर पीछे पर्दे के पीछे किचन है और इधर बाथरूम है। और आज मैं पहली बार अपना जो व्लॉग है वो लैपटॉप में देख रहा हूँ, अपना खुद का व्लॉग। आप लोग में से कोई देखता है मुझे लैपटॉप में? ऐड आ गया बे। शाम से घूम रहा हूँ, कितने 3 बजे के बाद, हाँ 3 बजे के बाद घूमना शुरू किया है। मारा भाई तो फेमस हो गया, टाइम नहीं मिला है। मारा भाई फेमस हो गया भाई, इतना शरीर दर्द होने लगा था। अच्छा दर्द हो रहा है वर्कआउट करने की वजह से, दूसरा शरीर दर्द हो रहा है गाड़ी में बैठे बैठे। अच्छा अभी मैं रूम पर आया हूँ, एकदम थका हुआ हूँ लेकिन खाना नहीं खाया है। अच्छा खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले भाई साहब पानी खत्म हो गया रूम का। ओके अब पानी लेके आना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैठा था तो मैंने अपना वाईफाई चालू किया, अच्छा लैपटॉप कनेक्ट किया, अब मैं देख रहा हूँ अपने खुद का ब्लॉग। भाई मज़ा आती कभी कभी देखने में, अपने फ़ोन में तो देखा ही देखा, मैंने कहा देखता हूँ आज जो ये लैपटॉप होता है इसमें क्वालिटी कैसी आती है। तो सही है, इतना बहुत टॉप नॉच नहीं है, जब तक मैं अपनी वीडियोस को लैपटॉप में नहीं एडिट करूँगा तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैं जो एडिट करता हूँ फ़ोन में ही अच्छी चलती है, इसमें भी अच्छी चल रही है, बस थोड़ा वाइड जो है ना ज़्यादा है, बाकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है, कोई फटी वटी नहीं आ रही वीडियो, लेकिन बस क्या है कि थोड़ा वाइड ज़्यादा दिख रहा है लैपटॉप में, और फ़ोन में बढ़िया दिखता है लेकिन लैपटॉप में ज़्यादा वाइड दिख रहा है, बस यही है। तो गाइस अभी खाना आया है अपना और ये खाने में मुझे मिला है ये खप्सा है, उसके साथ ये समोसे मिले हैं, ये इधर पानी है और ये इधर शोरबा है और ये चटनी है। शोरबा है कि क्या है मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, मैंने खोला नहीं है। तो ये है आज का अपना खाना,
ये समोसा मैंने अभी खाया है, ये वाला बहुत ही तगड़ा समोसा है। और ये आप लाइट देखिए, अरे है क्या लाइट है यार, मैं भाई के रूम पर देखा ये लाइट है। आप इसकी इफ़ेक्ट देखिए मेरे चेहरे पर, सिर्फ देख रहे हैं इधर इतना वाइट इधर इतना ब्लैक, इतनी अच्छी लाइट है। मैंने इसको सर्च किया नेट पर, कितने की जानते हो, कहीं पर 35 रियाल की बता रहा है, कहीं 45 रियाल की एक। और इनके पास दो लाइटें हैं, एक और है ये, मतलब मेरे बहुत काम की लाइट है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं अगर मैं गाड़ी में अक्सर रात में ऐसा होता है मेरे साथ कि देखिए लाइट, अभी देखिए वीडियो क्वालिटी देखिए, अब इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ। देखिए देखिए अभी ये लाइट है, इसको मैंने कम कर लिया, अब धीरे धीरे बढ़ेगी। बहुत ही अच्छी लाइट लगी मुझे ये। ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग कभी रास्ते में फंस जाएं, टायर पंचर हो जाए, तो ये आप लोहे में फंसा सकते। देखिए ये लोहा है, ये चपक जाता है यहाँ पर, तो आप गाड़ी में फंसा के अपनी गाड़ियों को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। आधी रात में अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो ये, तो पहले चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया वगैरह में क्या होता है, बहुत कम ही लोग गाड़ियों को रिपेयर करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इतनी सेफ़ कंट्री है, तो आप लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं। अगर आप टायर पंचर हो जाए तो आप टायर चेंज कर सकते हैं, इसको आप अपनी गाड़ी में चिपका दीजिए। इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो इंजन में चिपका दीजिए। इसलिए इनकी गाड़ी में था तो ये अपने रूम में रख लेना है। अभी पूछते हैं, अगर एक देंगे तो एक लेके चलते हैं पुनः, मांगने में क्या जाता है यार। समोसा देखिए, उसके अंदर आलू भरा हुआ है और इतना टेस्टी आलू है, मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि सऊदी अरेबिया में इतना टेस्टी समोसा मिल सकता है। सेम टू सेम अगर आप किसी बाज़ार में जाएंगे इंडिया की और समोसा लेंगे तो सिमिलर वही समोसा है, बस छोटा है। आलू, आलू में मसाले सब वही सही है यार। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं सऊदी अरेबिया में ऐसा समोसा खा रहा हूँ। और मैं अगर खुद खरीद के खाऊं तो अलग की बात है, इनके घर से मिला है मुझे, क्योंकि ये लोग स्पाइसेस खाते नहीं हैं, फिर भी टॉप नॉच। सो गाइस अभी टाइम हो गया है रात के, सो दोस्तों अभी रात के साढ़े, सो गाइस अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी अपनी मैडम को लेके घर आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग को बताया था मैंने, मैं श्वेदी किया था, तो अभी यहाँ पर आ गए हैं। तो वीडियो को इन करते हैं क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी रास्ते में, बहुत गंदी वाली नींद आ रही थी। लेकिन मेरे गाड़ी से हल्की हल्की आवाज़ आने लगी तो मुझे टेंशन हो गई। आवाज़ इसलिए आने लगी क्योंकि सर्विस नहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि इंजन की आवाज़ बढ़ गई है, तो इस मुझे टेंशन हो गई बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से फिर मेरी जो नींद आ रही थी नींद भी भाग गई। तो अभी मैं कल बाबा से बोलूँगा क्या प्रॉब्लम क्या नहीं, उससे पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आज वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन व्लॉग का मतलब होता है जो भी है आप लोग को दिखाना, तो आज यही थी अपनी ड्यूटी। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कर दे, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी न्यू डिस न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, जो हमें याद रखिएगा।